मैं ममता सोनी बोल रही हूँ। प्रदीप जी को फोन करने के लिए धन्यवाद। थोड़ी ही देर में वो आपसे बात करेंगे, अभी वो व्यस्त है। आपका फोन प्रदीप जी के लिए बेहद जरूरी है, अभी भी वो व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा फोन कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता सोनी बोल रही हूँ। प्रदीप जी को फोन करने के लिए धन्यवाद। थोड़ी ही देर में वो आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं ममता सोनी बोल रही हूँ। प्रदीप जी को फोन करने के लिए धन्यवाद। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आपको नया जियो ट्यून सेट करने का एक ट्रिक्स बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जियो ट्यून मतलब कॉलर ट्यून सबका फोन में बजता होगा, वो केवल गाना या कोई संगीत बजता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जियो ट्यून आपके नाम पर, जी हाँ आपके नाम पर बजेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपके पास एक जियो सिम होना चाहिए। जियो सिम से आपको एक मैसेज सेंड करना है 56789 पर। ये आपको हम बता रहे हैं किस तरह सेंड करना है। इसे मैंने सेट किया है अपना मोबाइल में, देखिए इस तरह है ना। आपको यहाँ टाइप करना है एल्बम नेम जियो ट्यून, बस आपको एल्बम नेम जियो ट्यून 56789 में सेंड करना है। बस जैसे इसको सेंड कीजिएगा आपको रिप्लाई आएगा, तो इस तरह आपका नाम आएगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर पर आनंद जी को फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, आशीष जी को फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, अजय जी को फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, इस तरह आएगा। अगर इसमें आपका नाम नहीं आता है तो आप कुछ नहीं, या नीचे में मोर, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है टाइप करके सेंड किया है, जैसे मोर मोर टाइप कीजिएगा और सेंड कीजिएगा, तो फिर ये नेक्स्ट लिस्ट आपका आएगा। जैसे है ना, जैसे इस तरह आया, इसमें भी आपका अगर नाम नहीं आता है तो फिर आप मोर करके फिर इसको सेंड करते रहिए। जैसे ही आपका आपका नाम आएगा तो उस नंबर, जैसे यहाँ सीरियल नंबर है ना, जैसे 11 12 13 14 15, अगर आपका नाम 12 में है ना, भारत जी को फ़ोन करने धन्यवाद जैसे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ 12 टाइप कीजिएगा है ना, यहाँ 12 टाइप कीजिएगा 1 2, और इसको सेंड कर दीजिएगा है ना। इसे सेंड कीजिएगा तो आपको कंफर्म मैसेज आएगा। कंफर्म मैसेज आने के बाद वो आपका नाम से वो जियो ट्यून सेट हो जाएगा है ना। तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं नया से, शायद आपको समझ में नहीं आया हो। जैसे मैंने ए मैसेज में गया है ना, यहाँ एड मैसेज, अपना ये मैसेज बॉक्स खुल गया है, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा 56789 ठीक है। यहाँ मैं टाइप करूँगा एल्बम है ना, ये स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं आएगा ये एल्बम नेम जोन ना। मैं इसको सेंड करता, जैसे मैंने इसको सेंड किया तो देखिए इस तरह आया है ना, इस तरह आया। अगर मेरा इसमें नाम नहीं है तो मैं यहाँ मोर टाइप करूँगा, MORE मोर सेंड किए, फिर देखिए नया आएगा, जैसे यहाँ आया है ना, विमल है, क्या है सब, दीपक है, इसमें फिर भी मेरा नाम नहीं आता है, तो फिर मैं इसको मोर टाइप करके फिर सेंड करूँगा। देखिए ढेरी नाम आ गया, इसमें भी अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आप मोर टाइप कीजिए।
बस जो भी नाम आएगा बस उसको आप सेंड करो। मैं सेट कर चुका हूँ उसमें, इसीलिए हमको दोबारा अगर करते हैं तो फिर नया से आ जाएगा। अब इस तरह अपना कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। मैंने अपना जियो ट्यून सेट कर चुका है पहले से ही। चलिए आपको मैं उसका सैंपल दिखाता हूँ। जैसे मैं कॉल करता हूँ मेरा नंबर पर, नमस्कार, मैं ममता सोनी बोल रही हूँ। प्रदीप जी को फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता सोनी बोल रही हूँ। प्रदीप जी को फोन करने के लिए धन्यवाद। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not on. बस इसी तरह आपका कॉलर ट्यून बजेगा, जो कॉलर होगा उसको इस तरह का संदेश मिलेगा, है ना? तो मज़ा आया ना? यदि आपको ये वीडियो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो मेरा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।